सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के 030 डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर नोटिफिकेशन लाइट कैसे लगा सकते हैं। मींस कि जब भी आपके फोन पर कोई भी इनकमिंग कॉल्स या नोटिफिकेशन आती है तो डिस्प्ले के बॉर्डर साइड में कलरफुल लाइट ब्लिंक करती है तो देखने में इंटरेस्टिंग लगती है। वेल चलो डेमो करते हैं इसका और आपको दिखाते हैं इससे सेटिंग्स को यूज कैसे करना है हमें अपने फोन के अंदर। वेल गाइस फोन के अंदर नोटिफिकेशन लाइट लगाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी हमें एक थर्ड पार्टी एप्स की और हम इसी एप्स के अंदर सेटिंग्स को करेंगे प्रॉपर और मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ इस ऐप की मदद से कैसे आपको इनकमिंग कॉल बॉर्डर लाइट को लगाना है। इसके लिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पार्ट में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जस्ट ओपन पे क्लिक करेंगे एंड इसका यूज इंटरफेस भी गाइज यू नो काफी इजी टू यूज है, कोई भी पर्सन आसानी से डाउनलोड करके यूज कर पाएगा। एंड ये जो है फ्री एप्लीकेशन था तो कुछ एड्स वगैरह देखने को मिलती है तो नो डाउट हम एड्स को स्किप कर सकते हैं, हालांकि कुछ एड्स होती हैं जो नॉन स्किपेबल होती है तो उसको हमें पूरा वॉच करना पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको इसका प्रीमियम लेना है तो उसको भी ले सकते हो, लेकिन एक बार ट्राई कर लेना, अगर ये बेस्ट लगता है तो आप इसका प्रीमियम भी ले सकते हो। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है, प्रॉपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको प्रीमियम के अंदर ही मिल जाता है। अब यहाँ एड्स कट करते हैं हम यहाँ से। अब इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी लोडिंग लेगा एंड इस ऐप को हम प्रॉपर सेटअप करेंगे, इसके अलाउ करेंगे। डिस्प्ले ओवर एप्लीकेशन है, इसको पहले ओपन करेंगे एंड यहाँ से इस ऐप को हम अलाउ कर देंगे इसके परमिशन को। तो हमारे पास ये डिलाइटिंग है, इसको ऑन करेंगे, बैक आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद अगेन एड्स आ रही है, कंटिन्यू टू ऐप करना है। अब इनेबल का बटन है, इसको भी टर्न ऑन करेंगे तो हमारे पास कॉल ये लाइट ब्लिंक कर रही है बट इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो प्रॉपर कस्टमाइज करते हैं इसको। इनकमिंग कॉल के लिए भी चाहिए तो इसको हम टर्न ऑन करेंगे, कीप सर्विस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये ऑन हो जाएगी। अब इसमें लाइटिंग इफेक्ट है, इसको प्रेस करना है और यहाँ पर इसमें आपको फ्लशिंग वाली लाइट को चूज करना है एंड यहाँ मिक्स कलर का एक ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर सकते हो। मिक्स कलर को ऑन करिए, फ्लशिंग वाले पे जाएंगे तो कलरफुल लाइट यहाँ पर कलरफुल बन जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर बैक आएंगे तो ये लाइट देखो आपको कॉल आने पर नोटिफिकेशन पर भी ऑन करना तो नोटिफिकेशन पर जाके टोटल ऐप्स को लाइक टोटल परमिशंस को अलाउ कर देना तो नोटिफिकेशन जो ऐप्स की नोटिफिकेशन होती है उस पर भी ये लाइट ब्लिंक करेगी। अब यहाँ पर आइए, डिस्प्ले लाइटिंग डिस्प्ले का ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि आप इसकी ओपेसिटी पोजीशन साइज इंक्रीज डिक्रीज लाइटिंग का कर सकते हो। ओपेसिटी है, इससे लाइट काफ़ी अच्छे से दिखेगी। राउंड कॉर्नर रेडियस है, आपने देख लीजिएगा अगर ये कॉर्नर्स कटे कटे हैं तो इसको आप मैनेज आउट यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। ड्यूरेशन है, आप इसको 10 सेकंड रखेंगे ड्यूरेशन और यहाँ पर स्पीड है, इसको बढ़ा सकते हैं। थिकनेस आप चाहें तो बढ़ाना उसको भी बढ़ा सकते हैं, आपको चौड़ा और पतला करना लाइट को तो नो डाउट इजीली आप कर पाएंगे। सो आई थिंक गाइस समझोगे इस सेटिंग को यूज कैसे करना है एंड गाइस फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसकी रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।